नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सभी का माँ की रसोई ब्लॉग स्पॉट कॉम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बना रहे हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है और इसी सूजी के बराबर नाप करके घी लिया है। दो कटोरी चीनी, दोगुनी चीनी ली है और चार कटोरी हमने पानी लिया है। इसी मेजरमेंट से हलवाई भी सूजी का हलवा बनाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है, कुछ धागे केसर के हैं और एक कलर का यूज करेंगे, लेमन कलर। हलवाई भी इसी कलर को यूज करते हैं, अगर आप ना चाहें तो कलर को यूज नहीं कर सकते। आप सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं, घी डाल देते हैं और सूजी डाल देते हैं। सूजी को हमें लगातार भूनते रहना है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी सूजी बनती है उतना ही अच्छा हलवा बनता है। शुरू में हम मीडियम फ्लेम पर सूजी को 5 मिनट भूनेंगे। सूजी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए, फ्लेम हमारी मीडियम है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, स्लो गैस पर भूनेंगे। अब इसको सूजी को भूनते हुए हमें 20 मिनट और हो गए, टोटल हमने इसे 25 मिनट भूना है। एक एक दाना इसका सिक गया। इसी तरह की सूजी हमें चाहिए, कण कण इसका सिक जाना चाहिए और कलर भी इससे ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना। अब इधर गैस पर हमने पानी गर्म करने रख दिया है, इसमें चीनी डाल देते हैं। जो मापा हुआ हमारा पानी और चीनी थी ना, वो रख दिया। इसी में हम 2 चुटकी कलर डाल देते हैं और किशमिश भी डाल देंगे। ये सेफ्रॉन है, ये डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आ रहा है सेफ्रॉन से। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसको बस 2-3 मिनट ही हमें गर्म करना है, जरा सी हमारे पानी गर्म हो जाए, चीनी बन जाए, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये इस स्टेज पर हमें इसको फुल फ्लेम कर देंगे और पानी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। फुल फ्लेम पर ही इसको पकेना होगा। धीरे धीरे सूजी फूलेगी। हलवे को चलाते हुए 5 मिनट हो गए, सूजी फूल गई है, हलवा तैयार होने वाला है। इस वक्त ये थोड़ी छींटे मारता है हलवा, तो आप इसको इस तरह से प्लेट को ढक दीजिए और जब सूजी पूरी तरह से फूल जाएगी तो अपने आप इसमें छींटे आने बंद हो जाएगी और इसको ऐसे चला दीजिए। अब देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार है। इसमें पूरा अपना छोड़ दिया, घी भी छोड़ दिया है और ऐसे ही ये खट्टा होता जा रहा है। यही पहचान है कि हलवा हमारा पूरी तरह पक चुका है। अभी ये जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज पर थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं और थोड़े हम गार्निश के लिए देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। स्वादिष्ट हलवा स्टाइल हलवा बनकर तैयार है। लीजिए, स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ।